के बाओ के, सो दे कैन ऑलरेडी किस तरीके से वो फाइट लेते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से फाइट लेने के लिए जान जाते हैं। सो यस देयर विल बी दैट सिचुएशन वहां पर किल उठाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से मॉकिंगजे ने किल उठाया। एंड एरर 516 को देखना पड़ेगा कि उनका स्ट्रेटेजी कैसे यहां से चेंज होता है। स्नाइपर वुल्फ ने वहां पर धारणा को फिनिश कर दिया था, एंडी धारणा को, एंड आरपी हनी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द टॉप एज एरिया एंड 6 टाइम्स आई गेस यहां पर स्कोप किस तरीके से होगा देखना पड़ेगा। स्विचिंग टू बैरल एंड टेकिंग डाउन वन पर्सन, टेकिंग द ट्राइंग टू टेक डाउन द सेकंड, टेक डाउन सेकंड राइट नाउ, रीलोड इज कमिंग। एनआरपी हनी टू एरिया से शॉट्स ले सकती थी बट देन अभी के लिए नीचे आके ही she can take down third, takes down three people. Entity MockingJ is on fire right now with those three kills and eight kills for the team. Mereko lagta hai Entity is a really strong contender to win the game. वहां पर फिनिश हो जाती है, स्नाइपर वुल्फ टेक्स ऑन द किल ऑफ रेस एंड लोआ इज द सर्वाइवर। अभी यहां पर वो किल नहीं देना चाहिए किसी को, एज ऑफ नाउ यहां किल सील नहीं करवाना चाहिए। कीरा वहां पर डाउन हो चुके हैं, वाओ फायरबॉल के थ्रू कीरा का किल लिया गया, वाओ फायरबॉल इज द लोन सर्वाइवर एंड लोन सर्वाइवर होते हुए बहुत अच्छे तरीके से फाइट ले रही है। स्नेहा राइट साइड पर अगर देखे तो उनको वहां पर रिबेल दिख सकती है, बट देन MockingJ वंस अगेन कम्स आउट देयर इन द इक्वेशन, टेक्स डाउन स्नाइपर वुल्फ, पीएन सिमिली को मिलता है किल, आई एम लोआ का अब रिबेल इज द ओनली सर्वाइवर, MockingJ इज आउट देयर जोन के बाहर बट स्टिल टेकिंग द फाइट इन देयर ओन हैंड्स, टेक्स डाउन people once again and she is actually doing wonders. 6 kills aa chuke hain unke paas, ab zone dikkat dene wala hai, ek shot aur lagta hai to zone, yes ek shot aur laga aur wahan pe Sneha ko bhi down kiya ja chuka hai, but then Sneha has done the damage for Entity and 8 bit fountain ko bhi zone mein move karna, 3 teams surviving right now. And it comes down to the last two teams, that is 1v2 ka situation ho chuka, and quite peculiarly yahan pe team wow ki jo ladki agar aap baat kare to kis situation se deal kar rahi thi, and filhal I think that would be the end for team wow because they're trying to heal up, but fireball still making a run inside the zone and yahan pe shots leti hui team GMT ki brothers ke upar, yahan pe fireball ne bahut hi behtareen ek knock diya hai blitz 2 op ki taraf, and now it's a 1v1 situation between GMT रिया एंड वाव की फायरबॉल को पता है, बट देन वो कब शुरुआत करेंगे देखना पड़ेगा, बिकॉज़ फाइनल सर्कल हमारा आ चुका है, फाइनल 15 सेकंड्स ऑफ द गेम, फाइनल फर्स्ट एड लगाई जा रही है यहां पर फायरबॉल के ऊपर, बट देन जोन पूरा का पूरा जीएमटी रिया के ऊपर है, इसके बाद इनको उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मारना पड़ेगा कुछ भी करके, एंड रिया को शॉट किया जा चुका है, फर्स्ट शॉट टेक्स डाउन, रिया हैज एक्चुअली टेकन डाउन फायरबॉल विद दैट एकेएम, कोई भी गलती नहीं की रिया ने, एंड जीएमटी टेक्स दिस विन विद द फाइनल किल इन देयर हैंड, एंड ओ माय दिस गेम ऑल केम डाउन